विधवा भाभी का देवर ने थामा था हाथ, बना था उसका सहारा। दोनों से चार बच्चे भी हुए, लेकिन एक हादसे में उसकी भी मौत हो गई। शादी के महज 20 दिन बाद महिला विधवा बनी थी। फिर उसके देवर ने उससे शादी कर उसका हाथ थामा था। आइए जानते हैं पूरी खबर को। बीते दिनों गढ़वा के कांडी प्रखंड में चार लोग 11,000 बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रांची रिम्स रेफर किया गया। इलाज के दौरान 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कांडी से संवाददाता दयानंद यादव की रिपोर्ट। कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियारी पंचायत सोनेपुरा गांव में ट्रांसफार्मर के नजदीक अपने खेत में सिंचाई के लिए चार लोग मिलकर बोरिंग कर रहे थे। ठीक ऊपर में 11,000 हाई वोल्टेज का तार लगा हुआ था। लोहे के पाइप को ऊपर उठाने के क्रम में पाइप बिजली की तार के संपर्क में आ गया, जिससे चार व्यक्ति पूरी तरह झुलस गए तथा तुरंत ही निजी वाहन के द्वारा गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गढ़वा सदर अस्पताल के डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए चारों व्यक्ति को रांची रिम्स रेफर कर दिया। रांची रिम्स इलाज के दौरान सोनेपुरा गांव निवासी रामजी यादव का 35 वर्षीय पुत्र उदल यादव को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा तीन व्यक्ति को बेहतर इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह यादव रांची हॉस्पिटल में जाकर मृतक के परिवार से मिले तथा उनका हालचाल जाना। साथ ही पोस्टमार्टम कराकर एम्बुलेंस के माध्यम से मृतक को उसके पैतृक गांव में भेजा गया। शव को घर आते ही गांव में कोहराम मच गया। शव का दाह संस्कार सोन नदी के किनारे किया गया। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे युवा राजद जिला अध्यक्ष विनीत कुमार और कांडी प्रखंड अध्यक्ष इमामुद्दीन खान परिजनों को पारिवारिक लाभ दिलवाने का ढांढस बांधा। मृतक अपने पीछे तीन लड़की और एक लड़का को छोड़कर चला गया। मृतक अत्यंत ही गरीब परिवार से है। खबर के माध्यम से आप सभी जनप्रतिनिधि से गुजारिश है कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग करें ताकि इस संकट की घड़ी में परिवार वालों को थोड़ी राहत मिल सके। अपने सपनों को करें साकार द प्रयास इंडिया के साथ यूपीएससी की तैयारी को बनाएं आसान। अब आपके शहर रांची में हरिओम टावर में खुला विश्वसनीय आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द प्रयास इंडिया। 2021 में हुए 41 लोगों का चयन। आप भी बने प्रशासनिक देश सेवा का हिस्सा। कॉल करें 9334790857।